बीटीएस के मेंबर आरएम ने इंग्लिश कहाँ से सीखी? एंड क्या आपको ये भी पता है कि बीटीएस के कौन सा मेंबर अपने दोनों हाथों से लिखता है? एंड क्या आप ये जानते हैं कि बीटीएस का क्या मतलब है? एंड क्या आपको ये भी पता है कि बीटीएस को ट्विटर की तरफ से कौन सा अवार्ड मिला? अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना। आज हम जानेंगे बीटीएस के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो आपको शॉक्ड करके रख देंगे। एंड सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं बीटीएस मेंबर में बीटीएस का लीडर कौन है। इस टीम का लीडर आरएम है। नंबर वन, कमेंट सेक्शन तो एक यूट्यूबर के लिए अपने ऑडियंस से कनेक्ट रहने के लिए बेस्ट जगह है, लेकिन क्या आपको पता है बीटीएस ने यहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीटीएस का एक सॉन्ग आया था एंड उस सॉन्ग पर 15 मिलियन कमेंट्स आए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बीटीएस ने, एंड उस सॉन्ग का नाम डायनामिट है। टू, किस कंपनी के सीईओ किस बीटीएस मेंबर को नहीं पहचानते थे? बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ वी को पूरे एक वर्ष तक नहीं पहचान सके थे। नंबर थ्री, बीटीएस के फैंस तो पूरी दुनिया में है, लेकिन क्या आपको पता है बीटीएस के फैंस सबसे ज्यादा कहाँ है? अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो तुर्की, ब्राजील एंड रूस में सबसे ज्यादा बीटीएस के फैंस रहते हैं। नंबर फोर, किस एल्बम ने बीटीएस की हिस्ट्री ही बदल दी? जब बीटीएस ने 2016 में अपना विंग्स एल्बम को लॉन्च किया था तो शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो के पॉप की हिस्ट्री ही बदल देंगे। नंबर फाइव, बीटीएस की टोटल नेटवर्थ कितनी है? अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं तो बीटीएस की टोटल नेटवर्थ $450 मिलियन है। इसे में कन्वर्ट किया जाए तो ये 3028 करोड़ रुपये होता है। नंबर सिक्स, क्या आपको पता है बीटीएस के मेंबर आर्मी ने इंग्लिश कहाँ से सीखी? फ्रेंड शो के फैंस तो पूरी दुनिया भर में है। ये शो नेटफ्लिक्स पर 100 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस शो ने इंग्लिश भी सिखा दी लोगों को, एंड यहीं से भी आरएम ने इंग्लिश सीखी। नंबर सेवन, बीटीएस का क्या मतलब है? बीटीएस के फैंस पूरी दुनिया में है, आप भी बीटीएस के फैंस होंगे, एंड आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि बीटीएस का क्या मतलब होता है। एंड बीटीएस का फुल फॉर्म है स्टैंड फॉर बैंगटन बॉयज, जिसका मतलब होता है बुलेट प्रूफ बॉयज स्क्वाड्स। एंड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आप बीटीएस का फुल फॉर्म जानते थे या फिर नहीं। नंबर एट, ब्रिटिश के आर्मी मेंबर्स अपने फैशन एंड स्टाइल के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। ब्रिटिश के आर्मी मेंबर्स इयररिंग्स पहनते हैं ओनली जे हॉप को छोड़कर। नंबर नाइन, क्या आपने कभी जिनकी उंगलियों को नोटिस किया है? उनकी उंगलियां टेढ़ी हैं, इसकी वजह हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी है। नंबर टेन, ब्रिटिश को ट्विटर की तरफ से कौन सा अवार्ड मिला? ब्रिटिश के मेंबर सोशल मीडिया पर कितने ज्यादा फेमस है ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वो फिलहाल के टाइम पे सोशल मीडिया पर राज कर रहे हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं कि ट्विटर ने उनके लिए एक स्पेशल इमोजी तैयार किया गया कि खुद की ऑफिशियल इमोजी है। और बीटीएस दुनिया में पहला ऐसा बैंड है जिसकी खुद की ही इमोजी ट्विटर पर बनी हुई है। इन्हें 2016 में ट्विटर की तरफ से गोल्डन अवार्ड भी मिल चुका है। सच में दोस्तों, ये तो सोशल मीडिया पर अलग ही लेवल पर राज कर रहे हैं, एंड इनके एक लाइक तो बनता है। नंबर 11, बीटीएस का कौन सा मेंबर अपने दोनों हाथों से लिखता है? वी, किम टी यंग अपने दोनों हाथों से लिखता है। जो हम एक हाथ से करते हैं वो दोनों हाथों से कर सकता है। एंड आज का ये वीडियो यहीं तक था। एंड आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मैंने 3 मिनट की वीडियो में इतने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए, अगर आप बीटीएस लवर हो, अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन करे पर आपने मेरी वीडियो देखी तो आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बीटीएस को ट्विटर की तरफ से कौन सा अवार्ड मिला, कोई आपसे पूछ सकता है बीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसका आंसर दे पाओगे अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। अगर आप बीटीएस आर्मी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।